हेलो डियर स्टूडेंट्स, तो हम देखते हैं आप नेक्स्ट मेथड इन रेंज, एंड दैट इज फंक्शन ऑफ द टाइप. लिख लो इधर, रेंज ऑफ फंक्शन ऑफ द टाइप ए साइन एक्स प्लस बी कॉस एक्स. ठीक है, ये पार्ट जो हम है, ये वाला जो पर्टिकुलर फंक्शन है, ये हम किस में देखे थे? ट्रिग्नोमेट्री फेज वन में भी देखे थे. ठीक है ना, आज हम इसको दोबारा डिस्कस कर रहे हैं. ठीक है ना, अभी हम थोड़ा डिटेल में डिस्कस करेंगे. तब हमने केवल इसका बहुत छोटा सा पार्ट डिस्कस किया था. वो क्या डिस्कस किया था, पहले मैं उस पर आता हूँ. तो हमें पता है कि इसका रेंज क्या आता था, हमारे उधर मेथड से इसका रेंज आता था क्लोज इंटरवल माइनस टाइम्स अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर से प्लस अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर. ठीक है, ये हमारा रेंज आता था. आता कैसे था, देखो क्या किया हमने, इस फंक्शन को डिवाइड किया हमने अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर से. तो मैंने क्या किया, मल्टीप्लाई किया एक तो अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर से और डिवाइड किया. और जो डिवाइड किया वो मैं अंदर लेके जा रहा हूं. तो ये हो गया ए अपॉन अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इंटू साइन एक्स प्लस बी अपॉन अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इंटू कॉस एक्स. ठीक है, अब देखना, अब इंपॉर्टेंट चीज है कि अगर मैंने इस वाले टर्म को, दैट इज ए अपॉन अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर को, अगर इसको मैंने लेट्स से कॉस अल्फा बोला तो ये मेरा अपने आप साइन अल्फा हो जाएगा. वेरीफाई करो, साइन अल्फा हो जाएगा, क्योंकि क्या लिखा है, कॉस स्क्वायर अल्फा क्या होगा, ए स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, वन में से इसको सब्ट्रैक्ट करूंगा, अंडर रूट लूंगा, तो ये चीज आ जाएगी. तो इसका मतलब ये जो क्वांटिटी है मेरी कैसे हो गई लिखी, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इंटू, अब इधर वो फॉर्मुला साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी. अच्छा, जैसे मैंने इसको कॉस अल्फा बोला, हम साइन अल्फा भी बोल सकते हैं, फिर मेरा ये कॉस अल्फा हो जाता, फिर हमारा कौन सा फॉर्मूला लगता, कॉस ए कॉस बी प्लस साइन ए साइन बी. तो अभी मैंने किसमें कन्वर्ट किया, साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी, तो दिस विल बी साइन ऑफ ए प्लस बी, ए हियर इज एक्स एंड बी हियर इज अल्फा. ठीक है, समझ में आया, वेयर माई कॉस अल्फा इज दिस. तो अब सोचो कि ये जो फंक्शन है, दैट इज साइन ऑफ एक्स प्लस अल्फा, इसका रेंज तो मुझे पता है. ये तो क्या है, साइन एक्स को मैंने पीछे की साइड अल्फा यूनिट शिफ्ट किया है. अगर अल्फा एक पॉजिटिव नंबर है तो साइन ऑफ एक्स प्लस अल्फा क्या है, अल्फा यूनिट्स पीछे खिसक गया है. तो इस खिसकने से क्या रेंज तो चेंज नहीं होगी, तो इसकी रेंज तो मुझे पता है क्या होता, माइनस वन से वन. अब इसमें मैंने एक कांस्टेंट के ऐड कर दिया. अब मुझे ये भी पता है कि अगर किसी फंक्शन का रेंज अल्फा से बीटा है, और अगर मान लो मैंने उस फंक्शन में के से मल्टीप्लाई किया, एंड वेयर के इज पॉजिटिव, तो उसका फंक्शन का रेंज क्या हो जाता है, के अल्फा से के बीटा. तो मेरा इसका फंक्शन का रेंज क्या हो जाएगा, माइनस वन इंटू दिस विच इज माइनस टाइम्स अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर कॉमा दिस इंटू वन विच इज अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर. दैट्स इट, वही तो मैंने इधर लिखा. ठीक है, उधर भी हमने ये चीज सीखी थी. अच्छा, इसमें दो चीज बहुत इंपॉर्टेंट है, क्या याद रखना है. देखो, एक चीज तो ये है कि जैसे अभी मैंने बोला कि साइन एक्स जो फंक्शन है इसकी, ये जो मैंने प्रूफ किया, इसके लिए मुझे क्या लगा कि साइन इस वाले फंक्शन की रेंज इज माइनस वन टू वन. तो इसका मतलब क्या है कि जो साइन ऑफ एक्स प्लस अल्फा है वो कम से कम एक साइकिल तो कंप्लीट करना चाहिए उसको. अगर वो एक कंप्लीट साइकिल कवर करेगा तभी उस माइनस वन टू वन रेंज कवर होगी. क्लियर है? तो इसमें दो पॉइंट याद रखें. एक तो मैंने बोला कि जो साइन एक्स है, ये साइन एक्स है जो हमारा, दिस शुड कवर एटलीस्ट एन इंटरवल ऑफ टू पाई. अच्छा, इसी को मैं ऐसे बोल सकता हूं कि अगर डोमेन कर्टेल नहीं किया, डोमेन को अगर कम नहीं किया, तब मैं ये बोलूंगा. तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, और डोमेन इज नॉट कर्टेल्ड. सिंपली मुझे बोला कि इस फंक्शन की रेंज क्या है, और मुझे डोमेन के बारे में कुछ नहीं बोला, तो मैं बोलूंगा इट इज डिफाइंड फॉर ऑल आर, हैज द रेंज इज दिस. तो क्या लिखूं मैं, इफ डोमेन इज नॉट कर्टेल्ड, डोमेन इज नॉट कर्टेल्ड, मतलब कम नहीं किया, काटा नहीं, डोमेन इज नॉट कर्टेल्ड. क्लियर है? डोमेन कर्टेल नहीं है तो पूरा ऑल रियल वैल्यूज ऑफ आर के लिए डिफाइन है, तब मैं डायरेक्टली रेंज इसको बोलूंगा, या फिर कम से कम एक साइकिल तो कवर हो उसकी साइन एक्स की, तब मैं डायरेक्टली बोलूंगा रेंज इज दिस. क्लियर है? ये तो पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो हमें इसमें याद रखना है. और एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है,
कि जो साइन एक्स साइन और कॉस जो टर्म दे रखे हैं ना, इनके जो आर्ग्यूमेंट है दे शुड बी सेम। जैसे इधर एक्स है तो इधर भी एक्स है, अगर इधर टू एक्स होता तो इधर भी टू एक्स होना चाहिए, तभी हम डायरेक्टली रेंज ये लिखेंगे। तो उसको भी तुम लिख लो, मैं इसको रब कर देता हूँ पहले। आई रब दिस पार्ट। देखना क्या बोल रहा हूँ मैं कि सेकेंड इंपॉर्टेंट नोट इन दिस पर्टिकुलर मैटर कि आर्ग्यूमेंट आर्ग्यूमेंट ऑफ साइन एंड कॉस शुड बी सेम। वेरी इंपॉर्टेंट, शुड बी सेम। अगर नहीं है सेम तब मैं डायरेक्टली रेंज ये नहीं बोलूंगा। फॉर एग्जाम्पल मैंने लिखा 5 साइन एक्स प्लस 2 कॉस 2x, तो मैं इसका आंसर ये नहीं बोलूंगा माइनस टाइम्स अंडर रूट ऑफ 5 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर से प्लस अंडर रूट ऑफ 5 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर। ये गलत हो जाएगा, ये गलत हो जाएगा। क्यों? बिकॉज इधर अभी cos 2x लिखा है, cos x नहीं लिखा है। हाँ, अगर ये cos x होता तो मैं डायरेक्टली आंसर ये बोलता, या फिर अगर इधर sin 2x होता तो भी मैं आंसर ये बोलता। तो इसको लिख लो नोट करके कि इसका आंसर ये नहीं होगा। इसका आंसर ये कब होता? दो सिनेरियो पे, या तो इधर 2x की जगह x होता या फिर इधर x की जगह 2x होता, तब मैं इसका आंसर बोलता माइनस टेंस अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर से प्लस अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। क्लियर हुआ बच्चों? बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। जल्दी जल्दी में क्या होता है, बच्चे लोग मिस्टेक करते हैं इसमें, ठीक है ना। इसको हम कैसे करेंगे सॉल्व, वो हम पहले देख चुके हैं ये मेथड। अगर मान लो आर्ग्यूमेंट अलग है तो हम क्या करें, इस cos 2x को क्या लिख लें, 1 माइनस 2 sin स्क्वायर x, तो ये sin x में क्वाड्रेटिक बन जाएगा। फिर हम वो क्या करते हैं, परफेक्ट स्क्वायर बनाते हैं, एक तो वो मेथड है, या फिर हम ऐसे बोलेंगे sin x को t रख लिया, फिर वो सब्सटीट्यूशन मेथड लगा दिया। समझ में आया? क्लियर हुआ बच्चों क्या बोलना चाह रहा हूँ? तो ये दोनों पॉइंट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि जो sin x है उसकी कम से कम एक साइकिल कवर होना चाहिए, या फिर को डोमेन कर्टेल ही ना करो। हम अभी देखेंगे एक क्वेश्चन ऐसा भी करेंगे जिसमें डोमेन कर्टेल होगी, तब हम डायरेक्टली आंसर ऐसे नहीं बोलेंगे, फिर हमें प्रोसीजर से करना पड़ेगा। कैसे करेंगे वो हम देखेंगे अभी। और दूसरी बात, आर्ग्यूमेंट सेम होना चाहिए, इस पे ज्यादा स्ट्रेस देना। जनरली गलती इधर होती है, इधर तो फिर भी नहीं होती कभी कभी, इधर ज्यादातर मिस्टेक बच्चे लोग करते हैं कि वो देखते नहीं है जल्दी जल्दी में, ऐसे देखा 5 sin x + 2 cos 2x, sin cos देखा डायरेक्टली अंडर रूट लगा देते हैं ऐसे, विच इज रॉन्ग। क्लियर है? चलो तो वीडियो पॉज करो, इसको कॉपी करो। अब हम कुछ इलस्ट्रेशन देखते हैं इसके ऊपर। देखना, मैंने लिखा 3 sin x, चलो छोटे छोटे एग्जांपल से स्टार्ट करते, माइनस 4 cos x, तो क्या बोलूंगा डायरेक्टली इसका रेंज। हमने बोला अभी इसने कोई डोमेन पे तो कोई कर्टेल किया नहीं है, डोमेन को रिस्ट्रिक्ट किया नहीं है, तो हम क्या बोलेंगे, डोमेन इज ऑल रियल वैल्यूज ऑफ आर, ऑल रियल वैल्यूज। तो अब क्या बोलूंगा, इसका रेंज अंडर रूट ऑफ 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर विच इज 5, तो क्या हो जाएगा हमारा माइनस टाइम्स 5 से प्लस 5। क्लियर हुआ बच्चों? जैसे अगर मान लो मैंने वैसे लिखा, इंस्टेड ऑफ एक्स मैंने कुछ भी ले लिया, लेकिन क्या लेना है, सेम लेना है। तो जैसे मैंने लिया 3 साइन 5x और प्लस ले लिया, चलो प्लस 4 cos 5x, तो इधर भी मैं क्या बोलूंगा डायरेक्टली रेंज। क्या देखा हमने, एक तो डोमेन कर्टेल नहीं है, प्लस साइन और कॉस का आर्ग्यूमेंट सेम है, इधर भी 5x है इधर भी 5x है, तो डायरेक्टली माइनस 5 से 5। ये 5 कैसे आया, अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, मतलब अंडर रूट ऑफ 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर विच इज रूट 25 विच इज 5। क्लियर है? जैसे और एग्जाम्पल देख लेते हैं, मैंने लिखा 5 साइन एक्स माइनस 2 कॉस एक्स प्लस 7, मैंने बोला चलो इसका रेंज निकालो। तो क्या करेंगे हम, देखो ये 7 है ये तो हम बाद में ऐड कर लेंगे, पहले हम इस फंक्शन का रेंज निकाल लेते हैं। फिर हम 7, तो 7 ऐड करने पे क्या होगा, ओवरऑल रेंज 7 यानी 2 पर शिफ्ट हो जाएगा, तो इसका रेंज क्या होगा। फिर देखा हमने डोमेन, तो अभी डोमेन के बारे में तो कोई जिक्र किया नहीं है, इसका मतलब कर्टेल नहीं है, डोमेन इज ऑल रियल वैल्यूज ऑफ एक्स। फिर मैंने देखा आर्ग्यूमेंट सेम है क्या, हाँ आर्ग्यूमेंट भी सेम है, तो इसका रेंज हो गया अंडर रूट ऑफ माइनस से 5 का स्क्वायर 25 प्लस 2 का स्क्वायर 4 टू 29 से प्लस रूट 29, ये तो मेरा हो गया इसका रेंज। अब ओवरऑल फंक्शन का रेंज क्या करूँ, 7 ऐड कर देता हूँ, तो मेरा हो गया 7 माइनस अंडर रूट ऑफ 29 से 7 प्लस अंडर रूट ऑफ 29। क्लियर है बच्चों? इजी है, कोई मतलब रॉकेट साइंस नहीं है, बहुत आसान पार्ट है। बट वही दो पॉइंट पे मैं बार बार स्ट्रेस दे रहा हूँ, याद रखना है, ठीक है ना। काफी एम्फसाइज किया है मैंने उस पॉइंट पे कि आर्ग्यूमेंट सेम होना चाहिए, प्लस
कम से कम एक साइकिल कवर होना चाहिए, तभी मैं इसको रेंज ये बोलूंगा, ठीक है। चलो वीडियो पॉज करो, कॉपी करो, मैं और इलस्ट्रेशंस लेता हूं। अब एक काम करते हैं, इस टाइप का तो होगा हमारे जब कर्टेल ले गया, अब मैं एक डोमेन कर्टेल करके एग्जांपल दे देता हूं। तो एग्जांपल लिखो, देखना मैं क्या लिख रहा हूं एग्जांपल, पहले खुद से ट्राई करना वीडियो पॉज करके, साइन एक्स माइनस रूट थ्री कॉस एक्स प्लस सेवन, और उसने बोल दिया एक्स बिलोंग्स टू 0 टू पाई बाई 2, तो डोमेन को कर्टेल कर दिया, उसने ऑल रियल वैल्यूज नहीं बोला, उसने बोला कि इस फंक्शन की, क्वेश्चन क्या हो गया ओवरऑल कि क्वेश्चन देख लेते, साइन एक्स माइनस रूट थ्री कॉस एक्स प्लस सेवन, देखना उसने क्या बोला, इस फंक्शन की रेंज निकालो फॉर दिस वैल्यूज ऑफ एक्स, मतलब अब डोमेन को कर्टेल कर दिया। तो अब मैं क्या नहीं बोलूंगा, पहले मैं वो लिख लेता हूँ क्या नहीं करूंगा, आई कैन नॉट से इसका रेंज निकाला, इसका रेंज भी किसी निकाला विदाउट सीइंग दिस, गलत हो जाएगा। जैसे मान लो तुमने, अगर मान लो ये नहीं दिया होता एक मिनट के लिए, मान लो ये नहीं दिया होता, इफ दिस इज नॉट गिवन, तब मैं डायरेक्टली आंसर क्या बोलता, देखना एक ही स्टेप में, वन स्क्वायर रूट थ्री स्क्वायर टू, तो माइनस टू से टू, और फिर मैं जो सेवन ऐड कर देता, मतलब फाइनली आंसर बोलता सेवन माइनस टू फाइव कॉमा सेवन प्लस टू नाइन। ये होता कब, जब ये नहीं दिया होता, बट अब थोड़ी हमें मेहनत करनी पड़ेगी क्योंकि इसने डोमेन को कर्टेल कर दिया है, डोमेन को कर्टेल कर दिया है, इसलिए मुझे थोड़ी मेहनत करनी पड़ेगी। दिस इज नॉट द आंसर, ये भी तुम लिख लेना, दिस इज नॉट द आंसर, ठीक है ना। चलो अब मैं देखता हूँ कैसे करेंगे। तो अब जैसे हमने डेरिवेशन किया था, तो हमने क्या यूज किया था फैक्ट, कि जो साइन ऑफ एक्स प्लस अल्फा था उसकी रेंज माइनस वन से वन ली थी, वो क्यों ली थी, क्योंकि जब एक्स पे कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं थी, मतलब डोमेन को कर्टेल नहीं किया था, तो वही स्टेप करेंगे हम जैसे उधर से स्टार्ट किया था। क्या किया हमने, पहले हम इस पार्ट पे फोकस करते हैं, हमें इस पार्ट से मतलब है, सेवन तो हम आखिरी में ऐड कर देंगे फंक्शन में, इस पार्ट पे फोकस कर रहा हूं मैं। इसको देख के मैंने क्या किया, इस इतने पार्ट को डिवाइड कर दिया अंडर रूट ऑफ वन स्क्वायर प्लस रूट थ्री स्क्वायर से, विच इज अंडर रूट ऑफ फोर, मतलब टू से, तो टू से डिवाइड किया, तो टू से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, और जिस नंबर से डिवाइड किया उसको अंदर ले गया, तो वन बाय टू साइन एक्स माइनस रूट थ्री बाय टू कॉस एक्स। चलो मैं पूरा लिख देता हूँ, प्लस सेवन भी लिख दिया, अभी मैंने जो ऊपर लिखा है वही मेरा लिखा है, ये फंक्शन कोई चेंज नहीं किया, बस मैंने टू से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई किया, ठीक है। चलो अब जैसे कि मैंने उधर बोला था, जैसे उधर हमारा ये क्या था, ए अपॉन अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, तो मैंने इसको क्या बोला था, कॉस कॉस अल्फा, तो इधर भी मैं इसको कॉस अल्फा बोल रहा हूँ, बट सिंस वी नो हाफ कब होता है, अल्फा इज इक्वल टू पाई बाय थ्री पे, तो मैं इसको डायरेक्टली लिख सकता हूँ कॉस ऑफ पाई बाय थ्री, कॉस सिक्सटी इज हाफ, तो अगर ये कॉस पाई बाय थ्री है, कॉस पाई बाय थ्री है, तो ये क्या होगा मेरा, साइन पाई बाय थ्री। तो अभी ऐसा लिखा है साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी, तो साइन ऑफ ए माइनस बी, तो मैं इस फंक्शन को ऐसे लिख सकता हूँ टू टाइम्स साइन ऑफ एक्स माइनस, याद रखना पाई बाय थ्री माइनस एक्स मत लिखना, साइन ए कॉस बी होता है, तो साइन का जो टर्म पहला होता है वो माइनस दूसरा आर्ग्यूमेंट करते हैं, तो साइन ऑफ एक्स माइनस पाई बाय थ्री, तो वो फंक्शन मेरा इसमें रिड्यूस हो गया। तो देखो, और ये मुझे निकालना है फॉर एक्स बिलोंग्स टू जीरो से पाई बाय टू, ठीक है, ये मुझे इसका रेंज निकालना है इस फंक्शन एफ एक्स का फॉर दीज वैल्यूज ऑफ एक्स, थोड़ी मेहनत करनी पड़ेगी, देखना अब क्या करें हम। देखो अगेन, अगर ये नहीं दिया होता तो हम क्या बोलते, इसकी रेंज इज माइनस वन से वन, तो टू से मल्टीप्लाई किया तो माइनस टू से टू हो जाती, और ये माइनस टू से टू होती, फिर सेवन ऐड कर लेते हम, इधर सेवन भूल गए, सेवन लिख लेते, तो माइनस टू प्लस सेवन क्या हो जाता हमारा फाइव, और सेवन प्लस टू नाइन, तो फाइव से नाइन आ जाता, क्लियर है। बट जैसे मैंने बोला अभी डोमेन कर्टेल कर दिया, तो हमें इन्हीं एक्स के लिए देखना पड़ेगा इसको, ठीक है। और अगेन एक चीज और बताया था मैं, वैसे आज के लेक्चर में हम डेरिवेटिव का यूज करके भी रेंज निकालना सीखेंगे, उधर हम और डिटेल में सीखेंगे, बट एक बार रिकॉल कर लेते हैं, मैंने कल स्टेप में क्या बोला था कि अगर मान लो, देखना ध्यान से दोबारा, एक्स अगर मेरा अल्फा से बीटा है, तो मैं डायरेक्टली रेंज को एफ अल्फा से एफ बीटा नहीं बोलूंगा, इन जनरल ऐसे नहीं बोलूंगा, ठीक है ना। वो कब बोलेंगे, जैसे कल तो मैंने थोड़ा सुपरफिशियली बताया था तुम लोगों की फंक्शन इंक्रीजिंग होगा और क्या बोलते हैं कंटिन्यूस होगा तब होगा, उसका एक्सप्लेनेशन आज दूंगा मैं, तो अभी तो मैं डायरेक्टली नहीं बोलूंगा इसको, मतलब ऐसे नहीं लिखूंगा, पहले मैंने जीरो इसकी जगह रखा, साइन ऑफ माइनस पाई बाय थ्री आया, मतलब माइनस रूट थ्री बाय टू, और फिर पाई बाय टू रखा, नहीं ऐसे नहीं करूंगा, आई कैन नॉट से डायरेक्टली, इसको मुझे ग्राफिकली करना पड़ेगा। कैसे करें, तो इसका ग्राफ बना लेते हैं, तो देखना इसका ग्राफ बनाएंगे, तो
अब देखो ये साइन एक्स का ग्राफ तो हमें पता है, चलो पहले साइन एक्स का बना लिया, दिस इज द साइन एक्स का ग्राफ, ये साइन एक्स का ग्राफ है। अब पाई बाई थ्री पीछे आगे की तरफ शिफ्ट होगा, तो देखना मैं क्या कर रहा हूं, जब ये आगे की तरफ शिफ्ट होगा तो जो मेरा वाई एक्सिस है वो पीछे आ जाएगा, तो ग्राफ विल बी समथिंग लाइक दिस, दिस इज माई वाई एक्सिस, दिस इज माई वाई एक्सिस, दिस इज माई एक्स एक्सिस। तो अब देखो ये जीरो है, एक्स इज इक्वल टू जीरो है, रख के भी देख लो, अगर मान लो तुम्हें कंफ्यूजन हो रहा है कि वाई एक्सिस इस साइड किसके का या इस साइड किसके का, तो तुम जीरो रखो, एक्स की जगह जीरो रखो। फॉर एक काम करो, सबसे पहले ये सेवन को हटाओ, हमें सेवन को आखिरी में ऐड करेंगे हम। मैंने क्या बोला कि अगर तुम्हें कंफ्यूजन हो रहा है कि ये ग्राफ इस साइड शिफ्ट होगा या इस साइड, तो एक्स की जगह जीरो रखा इधर, तो क्या आया साइन ऑफ माइनस पाई बाई थ्री विच इज माइनस रूट थ्री बाई टू, माइनस रूट थ्री बाई टू नेगेटिव नंबर है, तो दिख रहा है नेगेटिव आ रहा है। अच्छा अब ये में और मेरा ये पीक है, लेट्स से दिस इज माय पीक, तो ये वैल्यू तो मेरी, ये वाली वैल्यू तो मेरी कितनी है माइनस टू है, ये वैल्यू कितनी होगी, ये वाली वैल्यू, एक काम करते थोड़ा और बड़ा बनाता हूँ मैं ग्राफ, देखना आई विल मेक इट बिट बिगर, तो चलो मैं इसको रब कर देता हूँ ऊपर वाले पार्ट को, आई रब दिस पार्ट, तो जब तुम लोग इसको कॉपी कर लो, मैं बोल रहा हूँ इसको मैं थोड़ा ग्राफ बड़ा बनाता हूँ तो ज़्यादा क्लियरिटी आएगी। तो देखो बच्चों मैंने लिखा साइन एक्स का ग्राफ और थोड़ा सा मैं ग्राफ को बड़ा बनाऊंगा, ये एक साइकिल और ये दूसरी साइकिल, ठीक है, और मैंने बोला कि ये तो साइन एक्स का था भी जो मैंने बनाया, मुझे साइन ऑफ एक्स माइनस पाई बाई थ्री बनाना है, तो ग्राफ आगे खिसकेगा तो ओवरऑल वाई एक्सिस पीछे खिसक जाएगी, तो ये तो मेरा पीक था, ये देखो एक सेकंड सुनना, ये मेरा माइनस पाई बाई टू था, ये मेरा जीरो था, ठीक है अभी के लिए। अब जब मैंने खिसकाया तो पाई बाई थ्री से खिसकाया तो डेफिनेटली वाई एक्सिस इन दोनों के बीच में आएगा, क्योंकि पाई बाई टू से ज्यादा खिसकाता तब मेरा वाई एक्सिस साइड आता, तो दिस विल बी वाई एक्सिस विल बी समथिंग लाइक दिस, इसको मैं लिख रहा हूं ट्वाइस ऑफ साइन ऑफ एक्स माइनस पाई बाई थ्री, दिस इज माई वाई। अब सुनना ये मेरा वाई एक्सिस हो गया, दिस इज माई वाई एक्सिस। अब देखो ये जीरो है, सॉरी अब मैंने y एक्सिस खिसक गया, दिस इज माई जीरो। अब जैसे मैंने बोला तुम लोगों को एक मिनट के लिए कंफ्यूजन हो कि मेरा y एक्सिस साइड किसके का है साइड, तो वैल्यू पुट कर लो, x को जीरो रखो तो इधर से क्या आ रहा है साइन ऑफ माइनस पाई बाई थ्री माइनस रूट थ्री बाई टू, और रूट टू से रूट टू कैंसिल, सॉरी टू से टू कैंसिल हो गया तो माइनस रूट थ्री बना, तो देखो ये माइनस रूट थ्री है और ये जो मेरा वैल्यू है दिस इज माइनस टू। क्लियर है बच्चों? अच्छा तो जीरो पे तो मेरा यहां से स्टार्ट होगा ग्राफ, अब मुझे पाई बाई टू तक जाना है तो इसमें पाई बाई टू रख लो, तो पाई बाई टू रखोगे पाई बाई टू कहाँ आएगा, देखो वैसे तो पाई बाई टू ये होता था बट जब मेरा ग्राफ आगे खिसका तो इधर कहीं आएगा पाई बाई टू, वैसे रख के भी देख सकते हो तुम, देखो ये वाली जो वैल्यू है टॉप वाली वो तो टू है क्योंकि टू साइन एक्स का टाइप का बना रहे हैं हम, ये तो मेरा। अब मेरे को पाई बाई टू पे देखना है तो पाई बाई टू पे वैल्यू कितनी होगी, ये पाई बाई टू माइनस पाई बाई थ्री पाई बाई सिक्स, और साइन पाई बाई सिक्स मतलब हाफ, हाफ इंटू टू इज वन, तो देखो मेरा वैल्यू कितनी हो जाएगी, ये इधर इधर कहीं आएगा, दिस विल बी वन, और ये हो गया मेरा एक्स इज इक्वल टू पाई बाई टू, ये वाला वैल्यू। तो अब देखो ग्राफ ने क्या कवर किया, ग्राफ ने, ग्राफ का मैं वो रीजन बना रहा हूं जो इस डोमेन के अंदर आ रहा है, देखना ये वाला रीजन, और इस ग्राफ ने वाई इस पर्टिकुलर पार्ट ऑफ ग्राफ का प्रोजेक्शन क्या हुआ वाई एक्सिस पे माइनस रूट थ्री से वन, तो फाइनली इस पर्टिकुलर का रेंज कितना आ गया हमारा क्लोज ब्रैकेट माइनस रूट थ्री से वन, बट मुझे इसका नहीं निकालना था, प्लस सेवन भी तो ऐड था, तो अब मैं फाइनल आंसर लिखने जा रहा हूँ। फाइनल आंसर इज क्या था हमारा, इधर सेवन था तो मैं बोल रहा हूँ इधर सेवन था तो इधर ऐड कर दूंगा, तो आंसर क्या आ जाएगा मेरा सेवन माइनस रूट थ्री से वन प्लस सेवन विच इज एट, सो दिस इज माई फाइनल आंसर, ठीक है। फिर अच्छा क्वेश्चन है ये, अच्छा इसलिए बना क्योंकि डोमेन को कर्टेल किया, नहीं तो फिर वो बहुत ही बोर्ड लेवल का क्वेश्चन हो जाता, माइनस अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर से प्लस अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ठीक है। अच्छा एक चीज और, जैसे लकीली क्या होता, मान लो तुमने इतना एनालिसिस नहीं करते कि मतलब प्रॉपर प्लॉट करो और ये करो, डायरेक्टली तुम अगर वैल्यू भी रखते जीरो इधर रखते तो साइन ऑफ माइनस पाई बाई थ्री आता
विच इज माइनस रूट थ्री बाई टू, टू से टू कैंसिल माइनस रूट थ्री आ जाता, फिर पाई बाई टू रखते तो पाई बाई टू माइनस पाई बाई थ्री पाई बाई सिक्स आता, फिर साइन साइन पाई बाई सिक्स इज हाफ, टू इंटू हाफ इज टू, तो फिर तुम्हारा वन आ जाता, वो लकीली सेम आ जाता। क्यों? क्योंकि इस पर्टिकुलर रीजन में ना जीरो से पाई बाई टू ये फंक्शन कंटिन्यूसली इंक्रीज कर रहा है और कंटिन्यूस है, दिस इज द रीजन डायरेक्टली हमारा एफ अल्फा से एफ बीटा आ रहा है। अगर डोमेन अल्फा से बीटा है तो रेंज इज एफ अल्फा से एफ बीटा, वो इसलिए आ रहा है बिकॉज फंक्शन इज इंक्रीजिंग एज वेल एज कंटिन्यूस। बट इन जनरल आई विल नॉट से डायरेक्ट, आई विल नॉट डायरेक्टली पुट जीरो हेयर देन पाई बाई टू हेयर। याद है मैंने कल एक क्वेश्चन कराया था उसमें गड़बड़ हो गया था, क्या था क्वेश्चन देखो एक बार रिकॉल करते हैं। ऐसा कुछ तो था हमारा ये था, तो लेट से उधर था हमारा डोमेन था टू, जीरो से टू, तो अगर मेरा ये फंक्शन है साइन एक्स लेट से, तो मैंने बोला डोमेन इज जीरो से टू, तो डायरेक्टली आई कैन नॉट से आंसर इज साइन जीरो से साइन टू, ये गलत हो जाएगा। आंसर क्या होगा, टू पे मेरा ग्राफ इतना कवर हुआ ये वाला पार्ट, तो इतने पार्ट ने रेंज कितनी कवर की, जीरो से वन ना, तो आंसर शुड बी जीरो टू वन, इट शुड नॉट बी साइन जीरो से साइन टू। तो इसलिए मैं अगेन बार बार स्ट्रेस दे रहा हूं, अगर डोमेन अल्फा से बीटा है तो मैं रेंज को एफ अल्फा से एफ बीटा नहीं बोलूंगा इन जनरल, इधर लकीली आ रहा है। क्लियर है बच्चों? तो वीडियो पॉज करो, कॉपी करो, अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। तो उससे पहले मैं क्या करता हूं, इसको रब कर देता हूं, ये एक अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है। ए साइन एक्स प्लस बी कॉस एक्स, चलो इसके ऊपर एक और क्वेश्चन लेते हैं हम। तो क्वेश्चन इज एट साइन ऑफ एक्स प्लस पाई बाय सिक्स माइनस नाइन कॉस एक्स प्लस ट्वेल्व, लेट्स से दिस इज माय एफ एक्स, मुझे इसका रेंज निकालना है, ठीक है। चलो और मैं इसका रेंज निकालता हूं, तो अभी मैं और इसमें क्या है कि अब इसने कोई डोमेन पे कोई बाउंडेशन नहीं दे रखी, कोई रिस्ट्रिक्ट नहीं किया, उसने बोला एक्स बिलोंग्स टू ऑल रियल नंबर, तो उस वो तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। इधर दिक्कत क्या होगी, अब तो सेकंड पॉइंट मैंने लगाया बताया था कि आर्ग्यूमेंट शुड बी सेम, तो क्या अभी आर्ग्यूमेंट सेम है साइन और कॉस का? नहीं, क्योंकि इधर तो एक्स दिया है, इधर आर्ग्यूमेंट एक्स प्लस पाई बाय सिक्स दिया है, तो आर्ग्यूमेंट इज नॉट सेम, देयरफॉर आई कैन नॉट से डायरेक्टली अंडर रूट ऑफ एट स्क्वायर और नाइन स्क्वायर, वो चीज नहीं लगेगी। तो क्या करूं मैं, पहले क्या करूंगा, इनका आर्ग्यूमेंट सेम बनाने की कोशिश करूंगा। तो उसको करने के लिए क्या किया, देखो तुम लोग क्या कर सकते हो, वीडियो पॉज करके एक बार खुद से ट्राई कर सकते हो, ठीक है ना। अभी तो मैंने लिखा, इसको मैंने ओपन कर दिया, तो 8 इंटू साइन ऑफ ए प्लस बी, साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी, तो साइन एक्स कॉस पाई बाय सिक्स प्लस कॉस एक्स साइन पाई बाय सिक्स और माइनस नाइन कॉस एक्स प्लस ट्वेल्व, ठीक है ना। क्या कर रहा हूँ, मेरा टारगेट क्या है अभी, साइन और कॉस का आर्ग्यूमेंट सेम बनाना है मुझे। तो इसको लिखा, इसको अंदर लेके गए, तो देखना 8 साइन एक्स और कॉस पाई बाय सिक्स मतलब कॉस 30 रूट थ्री बाई टू, तो रूट थ्री बाई टू प्लस कॉस एक्स साइन पाई बाय सिक्स इज हाफ, तो हाफ इंटू और ये वाला 8 माइनस नाइन कॉस एक्स प्लस ट्वेल्व, तो हाँ ठीक है, ये 2 से ये 8 टाइम 4 टाइम गया और ये 2 और ये 4 टाइम गया, तो 4 रूट थ्री साइन एक्स, इधर से आया मेरा 4 कॉस एक्स माइनस 9 कॉस एक्स प्लस 12, फर्दर सिंप्लीफाई किया तो ये 4 रूट थ्री साइन एक्स माइनस 5 कॉस एक्स प्लस 12, बस अब हमारा स्टैंडर्ड फॉर्म में आ गया। स्टैंडर्ड फॉर्म से मेरा मतलब क्या है, अब साइन और कॉस का आर्ग्यूमेंट सेम हो गया, प्लस डोमेन तो रिस्ट्रिक्टेड है नहीं, तो अब मैं क्या करूं, अब डायरेक्टली फॉर्मूला लगाऊंगा। क्या फॉर्मूला था, अंडर रूट ऑफ क्लोज इंटरवल माइनस टाइम्स अंडर रूट ऑफ 4 रूट 3 का स्क्वायर, तो चलो मैं डायरेक्टली ऐसे लिख रहा हूं, पूरा सिंप्लीफाई नहीं कर रहा हूं, 4 रूट 3 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर कॉमा प्लस अंडर रूट ऑफ 4 रूट 3 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर। ये तो किसका होता, अगर इतना पार्ट दिया होता, इतना पार्ट, बट मुझे 12 भी ऐड किया है तो 12 ऐड कर देता हूँ, के ऐड करते हैं तो क्या होता है, अल्फा और बीटा में के ऐड हो जाता है, तो ये हो गया 12, तो फाइनल आंसर इज दिस वन, 12 माइनस अंडर रूट ऑफ दिस कॉमा 12 प्लस अंडर रूट ऑफ दिस। क्लियर हुआ बच्चों? चलो तो वीडियो पॉज करो, कॉपी करो, मैं एक क्वेश्चन होमवर्क देता हूँ उसके बेसिस पे, ठीक है ना, तुम लोग उसको ट्राई कर लेना और फिर हम नेक्स्ट कैटेगरी ऑफ पे चलते हैं रेंज की, ठीक है। अब हम वाला देखेंगे डेरिवेटिव वाला पार्ट,
पहले एक क्वेश्चन लिख लो होमवर्क का इसके ऊपर। देखना क्वेश्चन मैं लिख रहा हूं, ठीक, दिस इज योर एफ एक्स, दिस इज योर होमवर्क क्वेश्चन, और करना क्या है फाइंड रेंज, और डोमेन को रिस्ट्रिक्ट नहीं किया उसने, उसने सिंपली बोला इसको इसका रेंज निकालो फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ एक्स, एक्स की एक्स में एक्स की पे कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, कोई कर्टेल नहीं किया डोमेन, बट हाँ याद क्या रखना है कि आर्ग्यूमेंट अभी सेम नहीं है। क्लियर है बच्चों? चलो अब हम मूव करते हैं नेक्स्ट मेथड की तरफ, तो इसको मैं रब कर देता हूँ और हेडिंग डालते हैं फाइंडिंग रेंज यूजिंग डेरिवेटिव्स। तो लिख लो टॉपिक का नाम फाइंडिंग रेंज यूजिंग डेरिवेटिव। फाइंडिंग रेंज यूजिंग डेरिवेटिव, ठीक है? तो चलो इसको स्टार्ट करते हैं। तो इसमें पहले मैं कुछ पॉइंट्स हैं इंपॉर्टेंट पॉइंट्स उसको पहले लिखवा देता हूं, उसके बाद हम फिर इसके कोर पार्ट पे देखेंगे कि रेंज कैसे निकालेंगे। तो सुनना क्या है, पहला नोट लिखो इसमें, इफ dy by dx is positive then function is increasing। मैंने बोला अगर dy by dx पॉजिटिव है, और अच्छा चलो एक पॉइंट लिख लो, इफ dy by dx is positive at a point then function is increasing around that point, ठीक है? इंक्रीजिंग मतलब क्या होता है, सिंपली सिंपल बहुत ही आसान भाषा में इंक्रीजिंग फंक्शन किसको बोलते हैं, जो बेसिक डेफिनेशन है, एक्स बढ़ाएंगे तो वाई बढ़ना चाहिए, देन फंक्शन इज कॉल्ड इंक्रीजिंग। तो इसने क्या बोला कि हम डी वाई बाई डी एक्स निकालेंगे फंक्शन का, अगर वो पॉजिटिव आया किसी पर्टिकुलर एक्स पे, लेट्स एक्स इज इक्वल टू फाइव पे, तो फाइव के आसपास क्या होगा, फंक्शन इंक्रीज होगा। समझ में आया? अच्छा, इसी का दूसरा क्या हो जाएगा डिक्रीजिंग के लिए, तो इसका अपोजिट, तो मैं क्या लिखूंगा, इफ dy by dx is negative at a point then function is decreasing around that point, ठीक है? Then function is decreasing around that point. ऐसा हो क्यों रहा है? ये तुम्हें फिजिक्स में भी शायद पढ़ा होगा, बहुत आसान सा है। चलो मैं इसको थोड़ा सा एक्सप्लेनेशन दे देता हूँ। जैसे dy by dx क्या होता है बेसिकली, जब हम लिमिट पढ़ेंगे ना इसको डिटेल में देखेंगे, दिस इज लिमिट डेल्टा x टेंडिंग टूवर्ड जीरो डेल्टा y अपॉन डेल्टा x, और डेल्टा y क्या होगा, y2 - y1 / x2 - x1। तो खुद सोचो, अगर मेरा डिनोमिनेटर पॉजिटिव है, डिनोमिनेटर पॉजिटिव है इसका मतलब क्या है, एक्स को बढ़ा रहा हूं मैं, एक्स टू मतलब बड़ा एक्स वन से, दिस इज पॉजिटिव, तो ये चीज पॉजिटिव है, तो इसका मतलब न्यूमरेटर को भी पॉजिटिव होना पड़ेगा, और न्यूमरेटर पॉजिटिव कब होगा, व्हेन वाई टू इज ग्रेटर देन वाई वन। इसका मतलब क्या हुआ, जब मैंने एक्स वन से एक्स टू की तरफ लेके गया, जब एक्स बढ़ाया तो वाई भी बढ़ा, तो वाई बढ़ा तो क्या हुआ हमारा, दिस इज पॉजिटिव क्वांटिटी। इसलिए बोलते हैं कि अगर डी वाई बाई डी एक्स पॉजिटिव है देन माई फंक्शन इज इंक्रीजिंग। बाकी इसका डिटेल डिस्कशन हम जब कंटिन्यूटी और डिफरेंशिएबिलिटी पढ़ेंगे तब हम देखेंगे इसका, ठीक है? अभी के लिए जितना यूजफुल है रेंज निकालने के लिए वो ये दोनों स्टेटमेंट है कि फंक्शन इंक्रीजिंग होगा कब, जब उसका डेरिवेटिव पॉजिटिव होगा, फंक्शन डिक्रीजिंग होगा तब कब, जब उसका डेरिवेटिव नेगेटिव होगा। जैसे फॉर एग्जाम्पल एग्जाम्पल लिखते हैं, जैसे हमने देखा एग्जाम्पल बहुत ही फ्रिक्वेंटली अकरिंग एग्जाम्पल वाई इज इक्वल टू एल एन एक्स, तो ये सबको पता भी होगा डेरिवेटिव इसका, डी वाई बाई डी एक्स कितना आएगा इज इक्वल टू वन बाय एक्स, dy by dx is 1 by x। अब मुझे पता है इसका डोमेन जो होता है x belongs to r plus होता है, तो r plus मतलब पॉजिटिव रियल नंबर, तो दिख रहा है फॉर पॉजिटिव रियल नंबर 1 by x is a positive number। अब x पॉजिटिव है तो 1 by x पॉजिटिव होगा, इससे क्या पता चला, हमें ln x जो है वो इंक्रीजिंग फंक्शन है, और देख पता भी हमें ग्राफिकली, ग्राफ इसका ऐसे बनता है, x बढ़ा रहे हैं तो y ऊपर जा रहा है ना, बढ़ ही रहा है। जैसे मान लो दिस इज x1, x1 पे लेट से वैल्यू y1 है, और मैंने x1 को बढ़ाया इधर x2 पे लेके गया, तो y2 मेरा बढ़ेगा, तो x को बढ़ाया तो y बढ़ रहा है, तो ये क्या हो गया मेरा फंक्शन इज इंक्रीजिंग ln x। क्लियर है बच्चों? चलो अब मैं और एग्जांपल देख लेते हैं। जैसे मैंने लिखा
और एग्जांपल में जैसे y इज इक्वल टू साइन इनवर्स लिखा, y इज इक्वल टू साइन इनवर्स x, तो इसका डेरिवेटिव अगर तुम्हें पता है तो ठीक है, नहीं पता तो कोई बात नहीं, अभी याद रख लेना 1 अपॉन अंडर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर होता है, ठीक है ना। इसका डेरिवेटिव कैसे आता है वो हम अगेन, जैसे कि मैं बोल रहा हूँ अगले अभी बहुत सारे चैप्टर आने वाले उसमें देखेंगे हम, जैसे डिफरेंशिएबिलिटी में भी देखेंगे इसका, और जब एक्चुअली डिफरेंशिएशन पढ़ेंगे तब भी देखेंगे हम, इसका प्रूफ भी देखेंगे हम कैसे करते हैं। तो अभी के लिए तो मैंने क्या देखा, डीवाई बाई डीएक्स इज पॉजिटिव, पॉजिटिव क्यों है, बिकॉज न्यूमरेटर में तो 1 लिखा है वो पॉजिटिव होता है, और डिनोमिनेटर में लिखा है रूट ऑफ समथिंग, और रूट ऑफ एनीथिंग क्या होता है, पॉजिटिव होता है, तो दिस इज अ पॉजिटिव नंबर, हेंस दिस इज इंक्रीजिंग फंक्शन, और दिख भी रहा है। अब मैं ग्राफिकली देख सकता हूँ मैं, y इज इक्वल टू साइन इनवर्स x का ग्राफ ऐसे होता है, तो सॉरी ये हो गया मेरा ऐसे, दिस इज ग्राफ ऑफ साइन इनवर्स x, तो हमेशा बढ़ रहा है। अगर मान लो x इस पर्टिकुलर लेट से x1 पे वैल्यू मेरा लेट से y1 है, तो मैं x बढ़ाऊंगा, लेट से मैं इधर तक लेके गया तो y मेरा बढ़ा, ऊपर जा रहा है y, समझ में आया। तो अभी तो अभी तक तो मैंने इसका रेंज में एप्लीकेशन नहीं बताया, अभी तो मैंने इतना बताया तुम्हें कि dy by dx पॉजिटिव होता है तो फंक्शन इंक्रीजिंग होता है, dy by dx नेगेटिव होता है तो फंक्शन डिक्रीजिंग होता है। अब हम एक्चुअल देखेंगे कि इसका एप्लीकेशन कैसे है रेंज निकालने में, ठीक है। तो वीडियो पॉज करो, इतना पार्ट कॉपी करो। अब देखना, अब आ रहा है वो मेन पॉइंट, ठीक है। उस पॉइंट को लिखने के पहले कि मैं ट्रू फॉल्स पूछता हूं तुमसे, ठीक है, क्या है ट्रू फॉल्स, देखना स्टेट ट्रू और फॉल्स। मैंने लिखा इफ फॉर एफ एक्स, एक कोई फंक्शन है एफ एक्स, उसके लिए मुझे दे दिया एफ मैक्स इज लेट से 5 और एफ मिन मुझे दे दिया लेट से 2, तो कैन आई से द रेंज, कैन आई से द रेंज इज 2 से 5। जस्ट थिंक इट, एक बार सोचो कि इतना बोलने पे क्या मैं रेंज पे कमेंट कर सकता हूँ, अगर नहीं कर सकता तो एडिशनल मुझे इन्फॉर्मेशन क्या चाहिए सो दैट आई कैन से रेंज इज दिस। समझ में आया क्वेश्चन। चलो तो 2 मिनट वीडियो पॉज करके सोचो, मैं इसको डिस्कस करता हूँ, ठीक है। मैं एट प्रेजेंट दिस स्टेटमेंट इज फॉल्स। फॉल्स कैसे है इसको हम ग्राफिकली समझते हैं। देखना, मैं कोई भी ऐसा फंक्शन ले लेता हूँ जिसकी मिनिमम 2 है मैक्सिमम 5 है, तो लेट से मैं कोई भी ग्राफ ऐसा बनाता हूँ, तो ये लेट से ये 2 है, दिस इज 2, और लेट से वैल्यू आ रही है हमारी 1 पे, और लेट से मैंने ऐसे ग्राफ बनाया, दिस इज 2, और इस पे लेट से वैल्यू आ रही है 3, और फिर मैंने ये बनाया, चलो एक फिर मैंने ये बनाया और इस पे ऐसे ग्राफ बना दिया, तो लेट से दिस इज 3 एंड दिस इज लेट से 4। अब सुनना, अब इसको थोड़ा मार्क कर लेते हैं हम, एक तो मैंने ये मार्क किया, एक मैंने ये मार्क किया, लेट से 4 5, ठीक है। अच्छा अब देखो, ये जो ग्राफ है जो मैंने बनाया, इसको मैं डार्क कर देता हूँ, एक काम करता हूँ अलग कलर से, ये वाला ग्राफ बनाया मैंने और एक ये बनाया, ये दो ब्रांच है, एक ही ग्राफ है, इसकी दो ब्रांचेस है। अब सुनना क्या है कि एफ मिनिमम क्या है, एक्स इज इक्वल टू 1 पे मिनिमम वैल्यू आ रही है फंक्शन की विच इज 2, एफ मैक्स क्या है 5 विच इज अकरिंग एट एक्स इज इक्वल टू 4। तो इसके हिसाब से क्या मैं बोलूँ रेंज 2 से 5 है, नहीं बिल्कुल नहीं, क्योंकि 3 से 4 वाला प्रोजेक्शन तो आई नहीं ना, ग्राफ का प्रोजेक्शन वाई एक्सिस पे 3, 4 के बीच में तो आई नहीं रहा। इसका रेंज एक्चुअली क्या है इस ग्राफ के आधार पे, इसका रेंज इज 2 से 3 यूनियन 4 से 5, दिस इज करेक्ट, दिस इज रेंज ऑफ दिस ग्राफ बट नॉट दिस, समझ में आया, इसलिए ये स्टेटमेंट फॉल्स है। अब तो मैं शायद क्लिक भी कर गया होगा, क्या मैं ऐसी क्या चीज लगाऊं, क्या एडिशनल इंफॉर्मेशन इसमें डालूं कि रेंज ये हो जाए, क्या करूं, सोचो वीडियो पॉज करके। चलो मैं बताता हूं, फंक्शन शुड बी कंटिन्यूअस, क्या कर रहा हूं मैं, मैंने क्या लिखा इफ फॉर एफ एक्स, ये तो फॉल्स लिखना, अब इसी क्वेश्चन को दोबारा लिखना, इफ एफ फॉर एफ एक्स एफ मैक्स इज दिस एफ मिन इज 2, एंड इधर लिख लो अब दूसरे क्वेश्चन में लिखना, एंड एफ एक्स इज कंटिन्यूअस एंड एफ एक्स इज कंटिन्यूअस। अब ये एक इन्फॉर्मेशन और दे दी उसने कि फंक्शन कंटिन्यूअस है, कंटिन्यूअस है मतलब ब्रेक नहीं हो रहा कहीं, ठीक है ना। कंटिन्यूअस की बेसिक डेफिनेशन मतलब बिना पेन उठाए तुम ग्राफ को बना सको, ठीक है ना, तो ये कंटिन्यूअस हो गया हमारा। जैसे अगर मान लो मैंने ऐसे बनाया फिर ऐसे, तो ये ब्रेक आ गया, दिस इज डिसकंटिन्यूअस, ठीक है। तो मैंने क्या बोला कि
जो हमारा फंक्शन है वो कंटिन्यूस है, वो एड इंफॉर्मेशन और डाल दी। अब रेंज ये होगा कि नहीं सोचो अगेन, तो तुम्हारा आंसर मिलेगा हाँ अब रेंज ये होगा। क्यों? अब सोचो मैंने इसको मैं इधर से इधर ज्वाइन करूं, कैसे भी ज्वाइन करूं, ऐसे ऐसे टेढ़े आड़े घूम के कैसे भी, तो क्या होगा मेरा 3 से 4 भी कवर हो जाएगा वैल्यू। हेंस आई कैन से डायरेक्टली रेंज इज 2 to 5। समझ में आया? अब तुम इसका आंसर क्या लिखोगे इधर? ट्रू। ट्रू कब हुआ? जब मैंने इधर फंक्शन को कंटिन्यूस बना दिया। क्लियर है बच्चों? समझ में आया? वीडियो पॉज करो और कॉपी करो। अब मैं एक्चुअल नोट लिखवा रहा हूं जो हमारा रेंज कैलकुलेट करने में यूज होगा यूजिंग डेरिवेटिव। सुनना, देखना, मैंने लिखा, नोट करके लिखो, इफ dy by dx is positive, ठीक है, एंड इफ fx is continuous in the domain alpha to beta, in the domain alpha to beta, then range of fx will be dash। अगेन पॉज द वीडियो एंड राइट इट हियर ऑन योर ओन। बहुत आसान हो गया, बहुत सारा एक्सप्लेनेशन में दे ही चुका हूं ऑलरेडी। इसका क्या हो जाएगा हमारा डायरेक्टली रेंज विल बी एफ अल्फा से एफ बीटा। समझ में आया? देखो क्या है इसमें, क्या हो रहा है कि जैसे मैं ग्राफिकली बताता हूँ इसको, जैसे मैंने बोला लेट्स से दिस इज माई कोऑर्डिनेट एक्सिस, और मैंने बोला कि लेट्स से दिस इज अल्फा एंड लेट्स से दिस इज बीटा। अब उसने बोला है कि जो अल्फा से बीटा बीटा है ना, डी वाई बाई डी इज पॉजिटिव है फंक्शन का, मतलब फंक्शन इज इंक्रीजिंग। तो अल्फा से अब ग्राफ हमेशा ऊपर ही जा रहा है, कभी नीचे उल्टा पलट के नहीं आ रहा है। इट इज ऑलवेज कीप ऑन इंक्रीजिंग, मतलब बढ़ता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है। लेट्स इधर तक आया बीटा पे, बीटा पे, और लेट्स से ये वैल्यू मेरी हो गई एफ ऑफ बीटा एंड दिस इज विल बी एफ ऑफ अल्फा। तो समझ में आया? अब रेंज कितना हो गया एफ अल्फा से एफ बीटा। अब खुद सोचो इसमें अगर मैंने कंटिन्यूस वाला पार्ट हटा दिया होता तब मैं ये नहीं कर पाता, क्योंकि अगर मान लो मैंने ऐसे लिखा, इतना पार्ट लिखा, देखो इतना पार्ट लिखा, यहां से यहां तक लिखा, लेट्स से दिस इज कुछ तो है, लेट्स से अल्फा बीटा गामा, और इसको मैंने बोल दिया डेल्टा। तो अभी भी फंक्शन अल्फा से बीटा, बीटा तक इंक्रीजिंग ही है, बिकॉज हमेशा इंक्रीज कर रहा है। ऑल्दो इट इज नॉट डिफाइंड बिटवीन गामा एंड डेल्टा, बट इस फंक्शन को हम अभी एट प्रेजेंट इस फंक्शन को हम इंक्रीजिंग ही बोलेंगे। इसका डेरिवेटिव निकालोगे तो पॉजिटिव ही आएगा, गामा और डेल्टा के बीच में तो निकालेंगे ही नहीं डेरिवेटिव। क्यों? क्योंकि वहां तो फंक्शन ही डिफाइन नहीं है, तो वहां डेरिवेटिव की तो बात ही नहीं आती। मैंने बोला इस फंक्शन का डेरिवेटिव पॉजिटिव है फॉर ऑल एक्स बिलोंगिंग टू इट्स डोमेन। जो भी एक्स इसके डोमेन में आता है उस उन एक्स की वैल्यूज के लिए इसका डेरिवेटिव पॉजिटिव है, तो फंक्शन इंक्रीजिंग है। बट अगर मैंने ये वर्ड ऐड नहीं किया होता कंटिन्यूस, तब मैं ये आंसर नहीं बोल पाता। समझ में आ रहा है ना? क्लियर है बच्चों? अच्छा ये तो हो गया कि मैंने अगर कंटिन्यूस गायब कर दिया तब मैं ये आंसर नहीं बोलूंगा, और उल्टा भी। उल्टा क्या? कि अगर मैं डी वाई डी एक्स पे कमेंट नहीं करूं और केवल बोलूं फंक्शन कंटिन्यूस है और डोमेन इज अल्फा टू बीटा, तो भी मैं ये नहीं बोल पाऊंगा। जैसे फॉर एग्जांपल देखना, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है ये दोनों पॉइंट। जैसे मैंने लिखा ध्यान से सुनना बच्चों, लेट्स से 1 2 3। अब सोचो, अब देखना क्या सेकंड सिनेरियो में क्या बता रहा हूँ कि अगर मान लो इसका डेरिवेटिव पे कमेंट नहीं करता मैं डी वाई बाई डी एक्स पे, मैं सिंपली बोलता फंक्शन अगर कंटिन्यूस है इन द डोमेन अल्फा से बीटा तो रेंज इज एफ अल्फा से एफ बीटा, तो ये भी गलत हो जाता। देखो एग्जांपल ये है, डी वाई बाई डी एक्स पे तो कोई कमेंट नहीं कर रहा, डोमेन दिख रहा है अल्फा से बीटा है, हाँ अल्फा से बीटा है, तो क्या रेंज एफ अल्फा से एफ बीटा है? नहीं, एफ अल्फा मतलब 1, एफ बीटा मतलब 2, 1 से 2 है क्या इसका रेंज? नहीं, 1 से 3 है ना। तो कहने का मतलब ये दोनों कंडीशन होना चाहिए एक साथ, dy by dx पॉजिटिव प्लस फंक्शन शुड बी कंटिन्यूस, देन आई कैन से फॉर द डोमेन अल्फा टू बीटा रेंज इज एफ अल्फा से एफ बीटा। क्लियर है? ये दोनों ग्राफ अच्छे से समझना, ये दो मैंने समझा, चलो एक बार और क्लियर करता हूं मैं, ये दोनों ग्राफ एक बार और बताता हूं। मैंने क्या बोला कि अगर डोमेन अल्फा से बीटा है तो फिर मुझे रेंज को एफ अल्फा से एफ बीटा कब बोलूंगा? दो कंडीशन फुलफिल होनी चाहिए, एक तो डेरिवेटिव जो है उसका पॉजिटिव होना चाहिए प्लस फंक्शन कंटिन्यूस होना चाहिए। इन दोनों में से अगर एक भी वॉयलेट हुआ तब आई कैन नॉट से रेंज इज एफ अल्फा से एफ बीटा। क्यों? फॉर एग्जांपल
इधर क्या हो रहा है, हमारा कौन सा रूल वायलेट हो रहा है, कंटिन्यूटी वाला, तब हम इसकी रेंज एफ अल्फा से एफ बीटा नहीं बोल पा रहे, बिकॉज यू कैन सी गामा से डेल्टा के बीच में जो आउटपुट है वो तो गायब है ना। सेकेंड में कौन सा चीज वायलेट हो रही है, डी वाई बाई डी एक्स, क्योंकि पहले तो इंक्रीज कर रहा है फिर ग्राफ डिक्रीज कर रहा है, तो इधर डी वाई बाई डी एक्स की कंडीशन वायलेट हो रही है, सिंस ऑल दो द फंक्शन इज कंटिन्यूस, बट अगेन आई कैन नॉट से रेंज इज एफ अल्फा से एफ बीटा, वायलेट हो रहा है, क्लियर हुआ। तो हमें क्या याद रखना है, ये दोनों कंडीशन डी वाई बाई डी एक्स पॉजिटिव एंड कंटिन्यूस, देन आई कैन सी द रेंज इज एफ अल्फा से एफ बीटा, क्लियर है बच्चों। तो वीडियो पॉज करो, इसको कॉपी करो। अब इसी का हम नेगेटिव वाला देख लेते हैं, डी वाई बाई डी एक्स अगर नेगेटिव है मतलब फंक्शन डिक्रीजिंग है, तो उसमें मुझे इतना ज्यादा एक्सप्लेनेशन देने की जरूरत नहीं पड़ेगी, बिकॉज इधर ही मैंने पूरा एक्सप्लेनेशन कवर कर दिया, उसको बस हम लिख लेते हैं एक बार फॉर्मली। तो मैं रब कर रहा हूँ इसको, तुम लोग कॉपी करो। अब मैं इधर ही चेंज कर देता हूँ, डी वाई बाई डी एक्स इज नेगेटिव, तुम लोग अलग से लिखना, एंड इफ एफ एक्स इज कंटिन्यूस इन द डोमेन दिस, देन द रेंज विल बी एफ बीटा से एफ अल्फा, क्या हो जाएगा मेरा, मैंने इसी में चेंज कर दिया, मैं इसको रब कर देता हूँ नीचे वाले ग्राफ को। क्या बोला इसने, हम अब फंक्शन डी वाई बाई डी एक्स नेगेटिव है, डी वाई बाई डी एक्स नेगेटिव मतलब फंक्शन डिक्रीजिंग है, तो मैं डिक्रीजिंग का एग्जाम्पल ले लेता हूँ। तो मैंने ग्राफ बना लिया, तो लेट्स से ये मेरा ग्राफ हो गया, डिक्रीज कर रहा है, हमेशा डिक्रीज कर रहा है, कभी भी ऊपर नहीं उठेगा। तो लेट्स से ये मेरा अल्फा है डोमेन, ये मेरा बीटा है, तो ये मेरा हो गया एफ अल्फा और ये हो गया मेरा एफ बीटा। तो अब दिख गया, फंक्शन अगर डिक्रीजिंग है, रेंज अल्फा से बीटा है, तो अब उल्टा हो जाएगा, रेंज क्या हो जाएगी, एफ बीटा से एफ अल्फा, क्यों, फंक्शन डिक्रीज कर रहा है ना, यू कैन सी फ्रॉम द फिगर, क्लियर हो रहा होगा वो स्टेटमेंट। तो रेंज क्या बोलूंगा मैं, इतना पार्ट ग्राफ का प्रोजेक्शन जो है वाई एक्सिस पे वो इतना आ रहा है, हेंस द रेंज इज एफ बीटा से एफ अल्फा, एफ अल्फा से एफ बीटा नहीं बोलूंगा, उल्टा नहीं बोलूंगा, बिकॉज एफ अल्फा बड़ा आने वाला है, एफ बीटा छोटा आने वाला है, तो एफ बीटा से एफ अल्फा विल बी माय आंसर, क्लियर है बच्चों, समझ में आया। चलो अब इसके इसी पे हम एक दो नोट्स और देखते हैं, उसके बाद हम इस पर्टिकुलर थियोरी के बेसिस पे कुछ क्वेश्चंस देखेंगे। तो मैं इसको अगेन रब कर देता हूँ, तुम लोग इसको कॉपी कर लो, बहुत यूजफुल मेथड है, बहुत ज़्यादा ये डेरिवेटिव वाला, मतलब जो बल्कि क्वेश्चंस होंगे ना, अगर हमें फंक्शन डिफरेंशिएबल है, अगर हम उसका डेरिवेटिव निकाल पाए, तो हम बहुत जल्दी कमेंट कर देंगे, जो भी हम प्रीवियस मेथड देखें उनसे ये फास्ट है काफ़ी, जब एग्जाम्पल करेंगे तो तुम्हें और क्लियरिटी आएगी। अच्छा अब एक चीज़ और देखना, ये भी अगेन इंपॉर्टेंट नोट्स ही हैं जो हमारे यूज होंगे, क्योंकि अभी हमारा क्या होने वाला है, जो क्वेश्चंस आने वाले हैं ना, उसमें जैसे दो तीन टर्म्स होंगे, फिर हम देखेंगे कि पहला उसमें जैसे कोई फंक्शन है बड़ा, दैट इज एडिशन ऑफ दो तीन फंक्शन, तो लिखूंगा ये भी इंक्रीजिंग है, ये भी इंक्रीजिंग है, तो ओवरऑल फंक्शन क्या होगा, वो चीज़ हम लिख रहे हैं। तो देखना मैं क्या लिख रहा हूँ, फर्स्ट पॉइंट इंक्रीजिंग, तो अच्छा इंक्रीजिंग को मैं ऐसे एरो से बता रहा हूँ, दिस स्टैंड्स फॉर इंक्रीजिंग एंड दिस स्टैंड्स फॉर डिक्रीजिंग, ठीक है। तो अब लिखते हैं, मैंने क्या लिखा, इंक्रीजिंग प्लस इंक्रीजिंग, अब मैं दो फंक्शन का ऐड कर रहा हूँ, लेट्स से दिस इज माय fx, चलो इधर लिख लो पहले प्रॉपर, दिस इज माय fx एंड दिस इज माय gx, तो मैं क्या लिख रहा हूँ, इंक्रीजिंग प्लस इंक्रीजिंग, क्या होगा खुद सोचो, जैसे मैंने लिखा x और x स्क्वायर, ये भी इंक्रीजिंग है, ये भी इंक्रीजिंग है, तो ऑफकोर्स इन दोनों का एडिशन जो एक नया फंक्शन बनेगा इंक्रीज करेगा, क्योंकि जैसे मान लो मैंने इसको h ऑफ x बोला, ये मेरा f था, ये मेरा g था, अब मैं x बढ़ाऊंगा तो एच एक्स भी बढ़ेगा ना, क्योंकि ये भी बढ़ रहा है, ये भी बढ़ रहा है, तो ओवरऑल एडिशन में इंक्रीजिंग ओनली, हेंस आई विल से इंक्रीजिंग प्लस इंक्रीजिंग फंक्शन विल बी इंक्रीजिंग, क्लियर है। सिमिलरली डिक्रीजिंग प्लस डिक्रीजिंग विल बी डिक्रीजिंग, अगर कोई दो फंक्शन है, दोनों डिक्रीजिंग फंक्शन है, उन दोनों को ऐड करूंगा ना, तो जो नया फंक्शन मिलेगा दैट विल ऑल्सो भी डिक्रीजिंग, बहुत छोटे सा पॉइंट है, ज्यादा स्ट्रेस मत नहीं देना दिमाग को, ठीक है ना। अच्छा अब मैंने बोला एक चीज सुना, कोई फंक्शन इंक्रीज कर रहा है, अगर मान लो मैं उसके आगे एक नेगेटिव साइन लगा दूं, तो देखो क्या होगा, जैसे मैंने बोला कि साइन, चलो मैं एग्जांपल लूँ, जैसे एक्स स्क्वायर का एग्जांपल लूँ, फॉर लेट से वन से लेके टू तक, एक्स बिलोंग्स टू वन से टू, तो एक्स स्क्वायर का ग्राफ चलो जीरो से वन ले लेता हूँ, तो एक्स स्क्वायर का ग्राफ जीरो से वन के लिए ये होगा, जीरो से वन के लिए, तो मेरा क्या आएगा आउटपुट, वन स्क्वायर वन आएगा, तो अभी तो फंक्शन इंक्रीज कर रहा है, बट अगर मान लो मैंने इधर एक नेगेटिव साइन लगा दिया, माइनस एक्स स्क्वायर कर दिया, तो ये ग्राफ पलट जाएगा, तो ग्राफ विल बी लाइक दिस, तो क्या हुआ फंक्शन डिक्रीज हो गया ना, मतलब इंक्रीज कर रहा था बट एक मैंने नेगेटिव लगा दिया, तो नेगेटिव में बढ़ रहा है, नेगेटिव में बढ़ता है मतलब क्या होता है, बेसिकली वैल्यू घटती है ना, तो क्या लिखूं मैं इसका कंक्लूजन, कि माइनस ऑफ इंक्रीजिंग, एक फंक्शन इंक्रीज उसके आगे अगर नेगेटिव लगा दिया तो क्या हो जाएगा डिक्रीजिंग,
इसी का उल्टा, माइनस ऑफ डिक्रीजिंग विल बी इंक्रीजिंग। कोई फंक्शन डिक्रीज कर रहा है बट एक मैंने नेगेटिव साइन लगा दिया तो ओवरऑल क्या हो जाएगा, वो इंक्रीज करेगा। तो ये चारों पॉइंट याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, जो यूज होने वाले हैं अभी हमारे क्वेश्चंस में, ठीक है। अच्छा अब एक इंपॉर्टेंट है जो थोड़ा सा ट्रिकी है, देखना अब मैं क्या लिख रहा हूँ, ट्रिकी नहीं है हालांकि बहुत ज्यादा, इंक्रीजिंग माइनस डिक्रीजिंग, जस्ट थिंक इट एक बार, इंक्रीजिंग माइनस डिक्रीजिंग क्या आएगा, जस्ट थिंक इट, पॉज द वीडियो, मैं इसको लिखता हूँ। देखो एक तो मैं ऐसे समझ सकता हूँ, सुनना, जैसे मैंने एक इधर लिया एफ एक्स, इधर लिया मैंने जी एक्स और इसको मैंने बोला एच ऑफ एक्स। अब देखना मैं इसको इंक्रीजिंग बोल रहा हूँ तो क्या इसका मतलब मैं एक्स बढ़ाऊंगा तो फंक्शन की वैल्यू बढ़नी चाहिए, तो लेट से मैंने एक्स की वैल्यू बढ़ाई, जब मैं एक्स की वैल्यू बढ़ाऊंगा तो सिंस दिस इज इंक्रीजिंग ये बढ़ेगा बढ़ेगा, और जी एक्स क्या होगा घटेगा घटेगा। अच्छा अब ये बढ़ेगा ये घटेगा, अब जो घटेगा वो मैं सब्ट्रैक्ट कर रहा हूं तो ओवरऑल ये चीज क्या होगी, बढ़ेगी ना, मतलब एक तो मैं ये बढ़ा रहा हूं उसके कारण बढ़ी, प्लस उल्टा ये घटा रहा हूं, जो चीज मैं सब्ट्रैक्ट कर रहा हूं वो चीज मैं कम कर रहा हूं, तो ओवरऑल फंक्शन क्या बनेगा, इंक्रीज करेगा। तो ये चीज इंपॉर्टेंट है, इसको मैं ऐसे भी समझ सकता हूं। देखो माइनस ऑफ डिक्रीजिंग को मैं क्या लिख सकता हूं, ऊपर वाले से माइनस ऑफ डिक्रीजिंग को इंक्रीजिंग, तो दिस इज इक्विवेलेंट टू इंक्रीजिंग प्लस इंक्रीजिंग, माइनस ऑफ डिक्रीजिंग इज इंक्रीजिंग, और ये हम पढ़ चुके, दिस इज इंक्रीजिंग, ऐसे लिख लो चाहे बोथ वे जैसे समझ में आ जाए, दिस इज इंपॉर्टेंट। क्लियर हुआ बच्चों? अच्छा अब देखना एक दो चीज और, अब मैं लिख रहा हूं इंक्रीजिंग माइनस इंक्रीज, चलो इंक्रीजिंग प्लस डिक्रीजिंग, अब बताओ इंक्रीजिंग प्लस डिक्रीजिंग, अब हम क्या बोलेंगे, वी कैन नॉट कमेंट, क्यों, क्योंकि अब डिपेंड करता है किस रफ्तार से कौन घट रहा है बढ़ रहा है, मतलब इसकी इंक्रीज होने की रेट ज्यादा है कि इसकी डिक्रीज होने की, जो डोमिनेटिंग होगा उसके हिसाब से डिसाइड होगा, तो इन जनरल वी कैन नॉट कमेंट, वी कैन नॉट कमेंट। क्लियर हुआ बच्चों? मैं क्या बोला, अगर दो एक फंक्शन इंक्रीज और डिक्रीज कर रहा है, एक डिक्रीज कर रहा है, तो उनका एडिशन पे मैं कुछ कमेंट नहीं कर पाऊंगा, जैसे मान लो इसकी इसकी रेट ऑफ डिक्रीज ज्यादा है तो ओवरऑल फंक्शन डिक्रीज करेगा, अगर इसकी रेट ऑफ इंक्रीज ज्यादा है तो ओवरऑल फंक्शन इंक्रीज करेगा, दैट डिपेंड्स ऑन इंडिविजुअल फंक्शन, इन जनरल वी कैन नॉट कमेंट, ठीक है। अच्छा इसी प्रकार अब मैं लिख रहा हूं इंक्रीजिंग माइनस इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग माइनस डिक्रीजिंग, और एक लिख रहा हूं इंक्रीजिंग इनटू इंक्रीजिंग, इन तीनों पे कमेंट करो तुम लोग। देखो इस वाले को मैं तो ऊपर वाले लिख सकता हूं, माइनस ऑफ इंक्रीजिंग इज डिक्रीजिंग, तो जो हो जाएगा इंक्रीजिंग प्लस डिक्रीजिंग, तो वही चीज हो गई, तो मेरा आंसर हो जाएगा ये वाला डिक्रीजिंग माइनस डिक्रीजिंग, तो अगेन माइनस ऑफ डिक्रीजिंग को क्या लिख सकता हूं, इंक्रीजिंग, तो ये क्या हो गया इंक्रीजिंग प्लस डिक्रीजिंग, अगेन ऊपर वाली चीज हो गई। इंपॉर्टेंट है ये वाला पार्ट, सबसे ज्यादा कंफ्यूज जो बच्चों को करता है, इधर मोस्ट ऑफ द बच्चे, मतलब मोस्ट के 99% बच्चे इसको इंक्रीजिंग लिखते हैं, विच इज रॉन्ग, एक्चुअली आंसर इज वी कैन नॉट कमेंट, क्यों, इसके लिए बेस्ट एग्जांपल समझने के लिए एक्स और एक्स दोनों एग्जांपल ले लो, मतलब एफ एक्स को भी एक्स ले लो और जी एक्स को भी एक्स ले लो, तो यू विल सी प्रोडक्ट क्या आ रहा है, एक्स स्क्वायर, बट जो मेरा एक्स स्क्वायर है यू कैन सी कभी तो इंक्रीज कर रहा है कभी डिक्रीज कर रहा है, फॉर एक्स लेस देन जीरो, फॉर एक्स लेस देन जीरो इट इज डिक्रीजिंग नीचे जा रहा है, फॉर एक्स ग्रेटर देन जीरो इट इज इंक्रीजिंग, तो कुछ हो रहा है स्पेसिफिक कि इंक्रीज कर रहा है या डिक्रीज नहीं ना, इसलिए वी कैन नॉट कमेंट, दिस वॉज इंपॉर्टेंट, एक ये इंपॉर्टेंट था इसमें और एक ये। क्लियर है बच्चों? ये सबसे ज्यादा गलती बच्चे लोग इसमें ही करते हैं, इंक्रीजिंग इनटू इंक्रीजिंग इंक्रीजिंग कर देते हैं, बहुत से लोग तो क्या करते हैं इंक्रीजिंग का स्क्वायर, बहुत ही गलत हो गया, ठीक है ना, इंक्रीजिंग का स्क्वायर कुछ नहीं होता है, इट इज इंक्रीजिंग इनटू इंक्रीजिंग इज वी कैन नॉट कमेंट, इट इज नॉट इंक्रीजिंग। क्लियर है बच्चों? तो कोई भी अगर डाउट आ रहा है तो पूछो, इसमें कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, ठीक है ना, अगेन रिमाइंड करो वीडियो को दोबारा जहां से यहां तक सुनो, ठीक है। अब इसी में हम थोड़ा सा डिस्कशन और छूटता है एक इसी के ऊपर, इसी में एक कंपोजिट फंक्शन पे वो लिख लेते हैं, उसके बाद हम फिर क्वेश्चंस देखेंगे इसके ऊपर। कंपोजिट फंक्शन क्या होता है, फंक्शन ऑफ अ फंक्शन, जैसे मैंने लिखा साइन ऑफ साइन एक्स, सच क्वेश्चन सच आर मैं कंपोजिट फंक्शन, तो इसमें मैं क्या लिख रहा हूं इंक्रीजिंग, अब सुनना इंक्रीजिंग ऑफ इंक्रीजिंग क्या होगा, कमेंट करो। देखो मैंने ये इंक्रीजिंग इनटू इंक्रीजिंग नहीं लिखा, दिस इज इंक्रीजिंग ऑफ इंक्रीजिंग, तो जैसे साइन ऑफ साइन एक्स, तो क्या होगा, देखो एक्स बढ़ाएंगे तो साइन एक्स ये अंदर वाला फंक्शन बढ़ेगा, अब अंदर वाला फंक्शन बढ़ेगा और जो अंदर वाला फंक्शन है वो बाहर वाले के लिए तो आर्ग्यूमेंट का काम कर रहा है, तो इसका मतलब बाहर वाले का आर्ग्यूमेंट बढ़ रहा है और बाहर वाला फंक्शन क्या है इंक्रीजिंग है,
तो ओवरऑल फंक्शन क्या आएगा, इंक्रीजिंग। इसमें तो ज्यादा गलती नहीं होती, अब देखना गलती करने के चांसेस क्या होते हैं इसमें, डिक्रीजिंग और डिक्रीजिंग, ये सुनना। इसमें अगेन बच्चे लोग, मोस्ट ऑफ द बच्चे क्या जवाब देते हैं, मतलब सिमेट्री मेंटेन करने के लिए डिक्रीजिंग होगा, बट आंसर इज इंक्रीजिंग। वेरीफाई करो तुम, जैसे मैंने लिखा सबसे बेस्ट एग्जांपल कॉस ऑफ कॉस एक्स, कॉस ऑफ कॉस एक्स, कॉस एक्स बढ़ाऊंगा मैं, तो देखो एक्स बढ़ाऊंगा तो ये वैल्यू क्या होगी, डिक्रीज करेगी, क्योंकि कॉस एक्स डिक्रीजिंग है। अब मुझे तो ओवरऑल फंक्शन पे देखना है। अब देखो इस कॉस के लिए, ये तो आर्ग्यूमेंट का काम कर रहा है, तो इस कॉस के लिए तो आर्ग्यूमेंट घटा और ये जो कॉस है वो डिक्रीजिंग है। अगर मैं कॉस का आर्ग्यूमेंट घटाऊंगा तो फंक्शन क्या करेगा मेरा, अगेन आई एम टॉकिंग फॉर जीरो टू पाई बाई टू ओनली, हेयर ऑल्सो, हेयर ऑल्सो, ठीक है ना, क्योंकि इसी इंटरवल में ये डिक्रीज करता है कॉस एक्स, और इसी इंटरवल जीरो टू पाई बाई टू में कॉस एक्स इंक्रीज करता है, तो आई एम टॉकिंग ओनली फॉर इंटरवल जीरो टू पाई बाई टू एज ऑफ नाउ। तो सुनना मैंने क्या बोला, एक्स मेरे को बढ़ाना है तो अंदर वाला कॉस एक्स घटेगा, तो जो बाहर वाला कॉस एक्स है उसका जो आर्ग्यूमेंट है वो कम हुआ, और सिंस कॉस एक्स इज डिक्रीजिंग, अगर उसका आर्ग्यूमेंट कम होगा तो वो वैल्यू बढ़ेगा, तो ओवरऑल फंक्शन की वैल्यू क्या होगी, बढ़ेगी। क्लियर हुआ बच्चों? तो एक्स बढ़ाने पे वाई बढ़ा, इसका मतलब दिस ओवरऑल फंक्शन इज इंक्रीजिंग, तो दिस इज इंपॉर्टेंट। अब लास्ट वाला लिख रहा हूं मैं, इसको तुम लोग खुद से वेरीफाई करना, इंक्रीजिंग ऑफ डिक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग ऑफ इंक्रीजिंग, दिस यू विल सी दी बोथ विल बी डिक्रीजिंग, करके देख लो। या चलो एक मैं एक बताई देता हूं, ये मैंने ये वाला लिखा साइन ऑफ कॉस एक्स, साइन ऑफ कॉस एक्स लिखा, बाहर वाला फंक्शन इंक्रीजिंग है, अंदर वाला कॉस एक्स डिक्रीजिंग है, अगेन आई एम टॉकिंग अबाउट जीरो टू पाई बाई टू। तो देखना जीरो टू, अब मैंने एक्स बढ़ाया, एक्स को मैं बढ़ा रहा हूं, तो ये जो वैल्यू है मेरी ये क्या हुई, ये क्या होगी, घटेगी, कॉस एक्स डिक्रीजिंग है। अब साइन एक्स, साइन के अंदर ये आर्ग्यूमेंट जा रहा है, तो साइन का आर्ग्यूमेंट घट रहा है, एंड साइन इज इंक्रीजिंग फंक्शन, तो साइन का आर्ग्यूमेंट अगर घटेगा तो वैल्यू घटेगी। क्लियर है बच्चों? बहुत इंपॉर्टेंट डिस्कशन था ये इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग का, ठीक है। चलो अब वीडियो पॉज करो, इसको कॉपी करो, अब हम मूव करेंगे कुछ क्वेश्चंस पे, इसी के आधार पे अब हम कुछ क्वेश्चंस देखेंगे। हाँ, तो ये होगा हमारा पहला क्वेश्चन, क्या इसमें फाइंड रेंज ऑफ एफ एक्स इज इक्वल टू दिस इन दिस डोमेन, तो इसने डोमेन भी कर्टेल कर रखा है। चलो स्टार्ट करते हैं हम, तो जैसे कि अब हमें कौन सा मेथड करना है जो हमने सीखा यूजिंग डेरिवेटिव, तो देखो इसको हम दो तरीके से देख सकते हैं, एक तो इंडिविजुअल फंक्शन हमें पता है कि बोथ आर इंक्रीजिंग, जैसे e की पावर x वो भी इंक्रीज होता है, ln x भी इंक्रीज होता है, तो हम बोल सकते हैं इंक्रीजिंग प्लस इंक्रीजिंग इज इंक्रीजिंग, या फिर हम क्या बोल सकते हैं इसके डेरिवेटिव से कमेंट कर सकते हैं। तो मैंने क्या किया, दोनों से किया, तो मैंने f dash x निकाला, अब f dash x कैसे होगा, e की पावर x का डेरिवेटिव क्या होता है, e की पावर x, ln x का डेरिवेटिव 1 upon x, तो यू कैन सी कि इस पर्टिकुलर वैल्यूज ऑफ x के लिए ये जो चीज है दिस इज ऑलवेज ग्रेटर देन 0। देखो इस इंटरवल के लिए ये चीज हमेशा पॉजिटिव है, तो मैं क्या बोलूंगा, फंक्शन इज इंक्रीजिंग, एफ एस इंक्रीजिंग। अच्छा एक चीज और, e की पावर x कंटिन्यूस है, ln x कंटिन्यूस है, कंटिन्यूस प्लस कंटिन्यूस कंटिन्यूस होता है, ये आगे चल के हम सीखेंगे भी, और सिंपल IQ से बोल सकते हैं हम कि अगर मान लो दो फंक्शन कंटिन्यूस है, मतलब हर एक x के लिए डिफाइन है, तो उनका एडिशन होगा वो भी हमेशा डिफाइन होगा, ठीक है ना। तो ये जो फंक्शन हो गया ओवरऑल इंक्रीजिंग है प्लस कंटिन्यूस है, अगर डोमेन अल्फा से बीटा होता है तो हमारा रेंज क्या होता है, एफ अल्फा से एफ बीटा, तो ये डोमेन इज वन से ई, तो मेरा आंसर क्या हो जाएगा, रेंज क्या हो जाएगा, एफ ऑफ वन से एफ ऑफ ई, दैट्स इट, दिस इज माय आंसर। अब वैल्यू प्लग कर देते हैं, तो एफ ऑफ वन क्या होगा, ई की पावर वन प्लस एल एन वन, एल एन वन इज जीरो, हो जाएगा ई से, एफ ऑफ ई क्या हो जाएगा, ई की पावर ई प्लस एल एन ई विच इज वन, सो दिस इज माय आंसर। क्लियर है, बहुत आसान हो गया। देखो डेरिवेटिव से नहीं भी निकालते तो अभी जो मैंने बताया था इंक्रीजिंग प्लस इंक्रीजिंग, उससे भी आसान हो गया। अगर मान लो किसी को डेरिवेटिव में अभी दिक्कत होती है, मान लो तुमने फिजिक्स में नहीं पढ़ा उस टाइम ज्यादा, डेरिवेटिव वगैरह में तुम्हें उतना कॉन्फिडेंस नहीं है, तो यू कैन डायरेक्टली से कि e की पावर x हमें पता ही है इंक्रीजिंग होता है, एल एन एक्स भी इंक्रीजिंग होता है, तो इंक्रीजिंग प्लस इंक्रीजिंग इज इंक्रीजिंग, वैसे बोल लो, या फिर डेरिवेटिव ग्रेटर देन जीरो है इसलिए इंक्रीजिंग है, और फिर हम वाला नोट यूज करेंगे, इंक्रीजिंग है प्लस कंटिन्यूस है, देयरफॉर रेंज इज एफ अल्फा से एफ बीटा। क्लियर है बच्चों? चलो अब वीडियो को पॉज करो, मैं इसको रब कर देता हूँ, कॉपी कर लो तुम लोग। चलो मैं फंक्शन चेंज कर रहा हूं मैं, अब देखना एक और इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स क्यूब प्लस टू एक्स स्क्वायर प्लस नाइन एक्स प्लस एट, और इस डोमेन के अंदर निकालना है माइनस टू से थ्री,
अच्छा देखो, अगर मान लो ये माइनस टू से थ्री नहीं दिया होता, तब मैं तुमसे पूछू व्हाट इज द रेंज, तो मैंने एक स्टेटमेंट लिखवाया था रेंज जब स्टार्ट किया था, कुछ पॉइंट्स लिखवाए थे, क्या था वो पॉइंट, इवन सॉरी ऑड डिग्री पॉलीनोमियल के लिए रेंज हमेशा आर होता है, एक्सप्लेनेशन भी दिया था, माइनस इन्फिनिटी पे माइनस इन्फिनिटी होगा, प्लस इन्फिनिटी पे प्लस इन्फिनिटी होगा, एंड सिंस इट इज अ पॉलीनोमियल सो इट इज कंटिन्यूअस, हैज द रेंज इज ऑल रियल वैल्यूज, बट इसने क्या किया, डोमेन को कर्टेल कर दिया है, तो हमें इस रेंज इस इन वैल्यूज ऑफ एक्स पे इसकी इसका वो देखना है, रेंज नहीं निकालना है, एंड अगेन मैं डायरेक्टली माइनस टू इसमें रखूँ और फिर थ्री इसमें रखूँ, और फिर मैं बोलूँ एफ ऑफ माइनस टू से एफ ऑफ थ्री, डायरेक्टली आई कैन नॉट राइट, उसके लिए पहले मुझे प्रूफ करना पड़ेगा ये फंक्शन इंक्रीजिंग है इन इस पर्टिकुलर रेंज के अंदर, इस पर्टिकुलर रेंज ऑफ वैल्यूज ऑफ एक्स के अंदर ये फंक्शन सॉरी इंक्रीजिंग है, तब मैं बोलूंगा एफ अल्फा से एफ बीटा, नहीं तो नहीं बोल पाऊंगा, तो पहले मैंने देखा इसका इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग नेचर, तो डायरेक्टली तो पता नहीं लग रहा, तो हम क्या करें डेरिवेटिव निकालते हैं, तो एफ डैश एक्स निकाला, तो ये आया थ्री एक्स स्क्वायर प्लस सिक्स एक्स प्लस नाइन, तो थ्री कॉमन लिया, तो ये आया एक्स स्क्वायर प्लस टू एक्स प्लस थ्री, नाउ दिस इज अ क्वाड्रेटिक। अच्छा अब सुनना एक इंटरेस्टिंग चीज, अब हमें पता है क्वाड्रेटिक में अगर कोफिशियंट ऑफ एक्स स्क्वायर पॉजिटिव हो, मैं क्या बोल रहा हूँ देखना इधर, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी में, लेट्स से दिस इज माई एफ एक्स, इफ ए इज पॉजिटिव एंड डी इज नेगेटिव, तब मेरा जो ग्राफ होता है वो अबव एक्स एक्सिस बनता है, मतलब वाई इज ऑलवेज पॉजिटिव, क्लियर है, वही चीज मैं इधर देख रहा हूँ, अब देखो इधर एक्स स्क्वायर का कोफिशियंट विच इज वन, तो ए इज पॉजिटिव, अब डी और निकाल लेता हूँ मैं, तो डी क्या आएगा टू का स्क्वायर माइनस टू का स्क्वायर फोर, माइनस फोर थ्री जो ट्वेल्व, तो ये आया माइनस एट विच इज लेस देन जीरो, तो ये जो पैराबोला है दिस विल बी अबव एक्स एक्सिस, मतलब ये जो क्वांटिटी है वॉट एवर इज दिस मच क्वांटिटी दिस इज ऑलवेज ग्रेटर देन जीरो, थ्री से मल्टीप्लाई करेंगे तो भी पॉजिटिव ही रहेगी, तो और ये है क्या एफ डैश एक्स, तो एफ डैश एक्स पॉजिटिव आ रहा है, इसका मतलब क्या है, दिस इंप्लाइज एफ इज इंक्रीजिंग, अब f इंक्रीजिंग है प्लस f कंटिन्यूअस है बिकॉज इट इज अ पॉलीनोमियल, देयरफॉर आई कैन से रेंज विल बी डायरेक्टली आई कैन से f ऑफ माइनस टू से f ऑफ थ्री, क्लियर है बच्चों, अब हम वैल्यू रख देते हैं, माइनस टू रखेंगे तो क्या आएगा, चलो मैं f ऑफ माइनस टू इधर निकाल के रख रहा हूँ, f ऑफ माइनस टू, माइनस टू का क्यूब इज माइनस एट और माइनस टू का स्क्वायर इज फोर इंटू टू प्लस एट, माइनस टू इंटू नाइन माइनस एटीन प्लस एट, तो ये कैंसिल हुआ, दिस इज माइनस टेन, और एफ ऑफ थ्री निकाल लेते हैं, तो थ्री थ्री द नाइन थ्री द ट्वेंटी सेवन प्लस थ्री थ्री द नाइन नाइन इंटू टू एटीन प्लस नाइन टू द नाइन एक मिनट थ्री थ्री द नाइन टू द एटीन नाइन थ्री द अगेन ट्वेंटी सेवन प्लस एट, तो जो भी वैल्यू आई है, तो हमारा आंसर हो गया माइनस टेन से लेके ये वाली जो वैल्यू आई वो तुम लोग कैलकुलेट कर लेना, ट्वेंटी सेवन प्लस ट्वेंटी सेवन फिफ्टी फोर सिक्सटी टू 70 और 1080, 80 आएगा, वेरीफाई कर लेना 80 आएगा कि नहीं, क्लियर है बच्चों, क्या किया हमने, एक बार दोबारा स्टार्ट करते हैं, फंक्शन दिया है उसका डिफरेंशिएशन निकाला, फिर वो एक क्वाड्रेटिक आया, फिर हमने देखा वो उस क्वाड्रेटिक का डी नेगेटिव है, इसका मतलब वो क्वाड्रेटिक हमेशा पॉजिटिव है फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ एक्स, और वो क्वाड्रेटिक था क्या बेसिकली, फंक्शन का डेरिवेटिव, और फंक्शन का डेरिवेटिव पॉजिटिव है, इसका मतलब फंक्शन इंक्रीजिंग है प्लस कंटिन्यूअस है, कंटिन्यूअस क्यों, सारे पॉलीनोमियल फंक्शन कंटिन्यूअस होते हैं, तो कंटिन्यूअस है प्लस इंक्रीजिंग है, देयरफॉर इफ डोमेन इज अल्फा से बीटा रेंज विल बी एफ अल्फा से एफ बीटा, वही लगाया हमने, चलो ठीक है, तो मैं पॉज कर देता हूं, एक आध क्वेश्चन और कर लेते हैं, एक दो क्वेश्चन कॉपी कर लो इसको, आज का लेक्चर बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, बहुत कुछ नया चीज सीखने मिला है आज हमें, चलो अब देखते हैं, चलो एक छोटा सा, मैंने लिखा एफ एक्स इज इक्वल टू साइन इनवर्स एक्स प्लस ए की पावर एक्स, ठीक है, तो इसका मुझे रेंज निकालना है, अच्छा इसने डोमेन वगैरह के बारे में कुछ नहीं दिया, अगर नहीं दिया तो मानेंगे हम जो भी इसका डोमेन होगा वो सारे एक्स हम लेंगे, और कर्टेल नहीं किया, तो पहले हम इसका डोमेन निकाल लेते हैं, तो देखो इसका डोमेन तो आर है, ई की पावर एक्स में तो हम कुछ भी रख सकते हैं, इसका डोमेन क्या होगा माइनस वन से वन, तो एफ प्लस जी का डोमेन क्या होता है, पहले बताया इन दोनों डोमेन का इंटरसेक्शन वो क्या होगा माइनस वन से वन, क्योंकि वो एक्स लेना है मुझे जब ये भी डिफाइन हो ये भी डिफाइन हो, हैंस इंटरसेक्शन, तो डोमेन इज माइनस वन टू वन, तो मतलब मुझे इस फंक्शन का रेंज बताना है इंटर इंटरवल माइनस वन टू वन, पहली बात, अब दूसरी चीज साइन इनवर्स एक्स इंडिविजुअल इंक्रीजिंग है प्लस ई की पावर एक्स भी इंक्रीजिंग है, तो इंक्रीजिंग प्लस इंक्रीजिंग एफ एक्स क्या होगा
इंक्रीजिंग प्लस इंक्रीजिंग क्या होता है हमारा इंक्रीजिंग, या ऐसे बोल लो या फिर डेरिवेटिव से बोल लो, इसका डेरिवेटिव क्या आएगा, चलो इसका डेरिवेटिव से भी बता देता हूँ, एफ डैश एक्स क्या होगा, वन अपॉन अंडर रूट ऑफ वन माइनस एक्स स्क्वायर प्लस ई की पावर एक्स का डेरिवेटिव ई की पावर एक्स, दिस इज अ पॉजिटिव, दिस बोथ बोथ आर पॉजिटिव क्वांटिटीज, हेंस दिस इज ग्रेटर देन जीरो। इन दोनों से क्या पता चला हमें, फंक्शन मेरा इंक्रीजिंग है, फंक्शन इंक्रीजिंग है एंड वी नो इट इज कंटिन्यूस बिकॉज ये भी कंटिन्यूस है ये भी कंटिन्यूस है, तो कंटिन्यूस है प्लस इंक्रीजिंग है, तो रेंज क्या हो जाएगी, अगर डोमेन अल्फा से बीटा है तो एफ अल्फा से एफ बीटा, तो मेरा आंसर हो जाएगा एफ ऑफ माइनस वन से एफ ऑफ वन, दैट्स इट। तो एफ ऑफ माइनस वन क्या होगा, देखो माइनस वन इसमें रखूंगा तो साइन इनवर्स माइनस वन इज माइनस फाइव बाई टू, और माइनस वन इधर आएगा तो ई की पावर तो प्लस वन बाई कॉमा, एफ ऑफ वन क्या हो जाएगा साइन इनवर्स वन पाई बाई टू प्लस ई, दिस इज द रेंज फॉर दिस फंक्शन, ठीक है ना, याद रखना हमने क्या किया, डोमेन निकाला है पहले, ठीक है ना। चलो अब एक और क्वेश्चन कर लेते हैं और उसके बाद फिर हम एंड अप करते हैं आज का लेक्चर, तो मैं इसको रब कर देता हूँ, तुम लोग इसको कॉपी कर लो। ln x माइनस अंडर रूट ऑफ 9 माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है, ये भी थोड़ा इंटरेस्टिंग है, बेटर क्या होगा तुम लोग वीडियो पॉज करो और खुद से ट्राई करो, ज्यादा सीखने मिलेगा। मैं इसका सॉल्यूशन पे आता हूँ, तो लेट्स से ये ऐसा लिखा है एफ एक्स माइनस जी एक्स, ठीक है, तो सबसे पहला काम तो हम इसका डोमेन निकाल लेते हैं क्योंकि हम उस डोमेन के अंदर इसका एनालिसिस देखेंगे, उसका रेंज देखेंगे, तो इसके हिसाब से डोमेन इज ऑल रियल नंबर पॉजिटिव रियल नंबर, और ये मेरा क्या है, मैंने तुम्हें पहले ही बताया ये इस टाइप का पहले आ चुका है, सर्कल का ऊपर वाला पार्ट है, तो इसका अगर मैं केवल ग्राफ बताऊं इसका इसका अकेला, सो दिस इज इतना पार्ट माइनस थ्री से थ्री, दैट यू कैन वेरीफाई, इन दोनों का इंटरसेक्शन क्या आएगा, इन दोनों का इंटरसेक्शन क्या आएगा, डोमेन की बात चल रही है अभी, डोमेन की, इसका डोमेन क्या है माइनस थ्री से थ्री, ठीक है, और इसका डोमेन आर प्लस, तो डोमेन इज जीरो ओपन से थ्री क्लोज, देख लो तुम एक बार, इसका माइनस थ्री टू थ्री क्लोज था, इसका जीरो ओपन से इन्फिनिटी था, तो दोनों का इंटरसेक्शन क्या आएगा जीरो ओपन से थ्री, तो इस डोमेन के लिए मुझे इसको एनालिसिस करना है। अच्छा ये वो बात हो गई, अब सुनना, जो मेरा एफ है वो मेरा एल एन एक्स है, वो तो ये एक्स क्या हर एक एक्स के लिए इंक्रीजिंग है, तो एफ एक्स तो मेरा इंक्रीजिंग है, अब आते हैं हम जी एक्स पे, अब जी इस इन वैल्यूज ऑफ एक्स के लिए फॉर जीरो टू थ्री यू कैन सी जो फंक्शन है वो मेरा डिक्रीज कर रहा है, यू कैन सी एक्स बढ़ा रहे तो वाई घट रहा है, तो जी एक्स मेरा डिक्रीजिंग है। अच्छा अब जो मेरा ओवरऑल, अच्छा मैंने इसको एफ एक्स बोला है, तो ये लेट्स से एच एक्स बोल देता हूँ ओवरऑल फंक्शन को मैं, अब जो मेरा ओवरऑल फंक्शन है एच एक्स वो क्या लिखा है इंक्रीजिंग माइनस डिक्रीजिंग, अब मैं तुम्हें बताया था इंक्रीजिंग माइनस डिक्रीजिंग क्या होता है, इस माइनस दो तरीके से बताया था इसको, एक तो चलो एक ही तरीका अभी बताता हूं मैं, उस टाइम में दो बताया था, माइनस ऑफ डिक्रीजिंग को क्या लिख सकता हूं इंक्रीजिंग, तो इंक्रीजिंग प्लस इंक्रीजिंग क्या होता है इंक्रीजिंग, या फिर मैंने ऐसे बताया था उसको जैसे कॉस एक्स माइनस साइन एक्स लिखा है, सॉरी साइन एक्स माइनस कॉस एक्स लिखा है, तो जब ये वाली वैल्यू घटेगी तो ओवरऑल वैल्यू तो बढ़ेगी ना, क्योंकि हम जो घट रही है वैल्यू वो सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं, तो ओवरऑल वैल्यू बढ़ेगी, तो इंक्रीजिंग हुआ, तो ओवरऑल मेरे का फंक्शन क्या आ गया एच एक्स इंक्रीजिंग आ गया, और प्लस एच एक्स क्या कंटिन्यूस है, क्यों कंटिन्यूस है, बिकॉज कंटिन्यूस माइनस कंटिन्यूस कंटिन्यूस होता है, ये भी मेरा कंटिन्यूस फंक्शन है, ये भी मेरा एक कंटिन्यूस फंक्शन है, तो जो मेरा फंक्शन है वो कंटिन्यूस भी है प्लस इंक्रीजिंग भी है, तो अगर डोमेन अल्फा से बीटा है तो मेरा रेंज क्या हो जाएगा एफ अल्फा से एफ बीटा, तो रेंज इज एफ ऑफ जीरो से ओपन कॉमा एफ ऑफ थ्री क्लोज, और एफ ऑफ जीरो क्या होगा इसमें जीरो रखो, तो एल एन जीरो क्या होगा माइनस इन्फिनिटी, तो माइनस इन्फिनिटी से एफ ऑफ थ्री, तो ये क्या हो जाएगा एल एन थ्री, और ये हो जाएगा जीरो, तो दिस इज माई आंसर, ठीक है, समझ में आया होगा, ठीक है, तो आज के लेक्चर के लिए इतना काफ़ी है, और अभी तो मैंने कुछ होमवर्क दिया नहीं है इस पर, तो अभी शायद मैट्रिसेस की शीट ही दी थी मोशन की, वो तुम कर रहे होगे, बट फिर भी पैरेलली तुम लोग आर डी शर्मा में सॉल्व एग्जांपल करो, रेंज और डोमेन की प्रैक्टिस करते हो जितना हो सके, और मैं दो तीन दिन के अंदर दे दूंगा तुम लोगों को इसके फंक्शन के ऊपर शीट, ठीक है, और आज के लेक्चर को दोबारा रिमाइंड करके देखना अगर कोई भी डाउट आता है, मतलब आज का लेक्चर मैं बोल सकता हूँ कि अभी तक का हमें सबसे बेस्ट लेक्चर इसलिए माना जाएगा क्योंकि काफ़ी कुछ नया चीज़ सीखा है हमने, ठीक है, तो दैट्स इट फॉर टुडे, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।